देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर गिद्धौर से है। गिद्धौर का पूजा सबसे मशहूर पूजा है भारत में। जग जाहिर है कि एक तरफ जहां काली है कलकत्ता की, तो दुर्गा है पतसंडे की। जमुई जिले के गिद्धौर का यह पूजा अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। अंग्रेजों के शासन काल से ही यहां दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बताया जाता है कि एक समय गिद्धौर का यह पूजा राजा चंदेल राजवंश के अधीन था और राजा के द्वारा यह पूजा पाठ करवाया जाता था। धीरे धीरे समय बदलने से अब सब ग्रामीणों के द्वारा इसे करवाया जाने लगा। राजवंश के खत्म होने के उपरांत 1996 से ग्रामीणों को यह पूजा सौंप दिया गया। इसे लोग आधुनिक पूजा भी कह सकते हैं, क्योंकि इस आधुनिक पूजा को राजा प्रताप सिंह के द्वारा 1996 में सौंपा गया था। इस बार भी बहुत ही धूमधाम से शारदीय दुर्गा पूजा सह लक्ष्मी पूजा समिति के द्वारा प्रशासन के देखरेख में गिद्धौर के इस पूजा को संचालित किया गया। यहाँ पर आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ हर मनोकामना पूरी हो जाती है और इससे इस तरह गिद्धौर का मेला और भी ज़्यादा मशहूर और ऐतिहासिक भी बन जाता है। इस बार मेले में श्रद्धालुओं के लिए तारामाची, झूला, सर्कस और ब्रेक डांस आदि मनोरंजन के साधन को जोड़ा गया। पूजा समिति के सदस्य मुन्ना गोपाल कृष्ण गिद्धौर, कुणाल कुमार गिद्धौर, चंदन कुमार उर्फ चीकू, पंचायत समिति सदस्य आदि ने इससे संबंधित जानकारी दी। जमुई जिले के गिद्धौर से सुजीत कुमार संघ श्रवण कुमार की रिपोर्ट। यहाँ का जो मेला है, ठीक है, गिद्धौर का जो मेला है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ का मेला वर्षों से चला आ रहा है और यहाँ का मेला ऐतिहासिक मेला है। कहा जाता है कि दुर्गा काली कलकत्ते की पूजा पसंद है। यहाँ का मेला बड़ा भव्य मेला होता है। आस पास के लोग यहाँ पे आते हैं और खासकर लक्ष्मी पूजा में वहाँ के लोग भी आते हैं। यहाँ पे जो दुर्गा पूजा में जो मन्नतें मांगते बोला जाए दुनिया पूरा हो जाता है। इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा श्रद्धा, मतलब लोग यहाँ के प्रति, यहाँ के जो पूजा होता है यहाँ के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा लोग दिखाते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राम कुमार नाम है, शिक्षक है। हाँ, कहाँ से? धन्यवाद सर। गिद्धौर का जो मेला है, ठीक है, ये प्रसिद्ध मेला है सब भारत में, तो इसके बारे में यहाँ के जो प्रसिद्धि के बारे में क्या बोलना चाहिए यहाँ के मेला के बारे में? यहाँ का मेला जब जाहिर है काली है कलकत्ते की, दुर्गा है पसंदे की जी, के समय से ही चला है, उसके शासन के ही समय से। और पहले राजा चंदेल राजवंश के अधीन था ये पूजा। 1996 में ग्रामीणों को राजा प्रताप सिंह ये पूजा दे दी है। अब वो पूजा संचालित गिद्धौर के नागरिकों के द्वारा ही होता है। कमेटी का नाम क्या है सर? शारदीय दुर्गा पूजा सह लक्ष्मी पूजा समिति। और कुछ बोलना चाहेंगे गिद्धौर के बारे में? गिद्धौर के, क्योंकि गिद्धौर का जो मेला है बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। ऐतिहासिक मेला है और काफी लाखों लाख का सारा व्यवस्था है। यहाँ खेल कूद, तारामाची, सर्कस वगैरह सब आता है यहाँ। और पलंग का तो यहाँ फेमस दुकान है। क्या पलंग लकड़ी का? जी, एक महीने चलता है। कब, कौन सा महीने में चलता है ये? उससे शुरू हो गया है, ये नवंबर से शुरू हो गया। एक महीने छठ पूजा के बाद लगभग दिसंबर तक ये पलंग का करोड़ों करोड़ का बिजनेस होता है। ये कहाँ कहाँ तक जाता है? यहाँ से बहुत दूर दूर जाता है, झारखंड लखीसराय से आगे जहाँ का लोग हैं पलंग खरीद के जाते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मुन्ना गोपाल कृष्ण। कहाँ से? पूजा समिति कैसे। यहाँ के मेला के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ का मेला बहुत ऐतिहासिक मेला है, बहुत जम्मू जिला के चारों तरफ से यहाँ आते हैं। आपका नाम? चंद्र कुमार चिकू, पंचायत समिति। धन्यवाद आपका।